हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप विश्वकर्मा एंड आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे करके अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी भाई लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है वो मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। उन्हें वही सारा सिलेबस इसमें मिलेगा जो एएमयू जामिया या किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो बेफिक्र होके मेरे लेक्चर्स को आप पढ़ते रहिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं आपका सारा का सारा टॉपिक कवर करूंगा। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज जीपी, जीपी क्या है और हाउ वी हैव टू फाइंड एनी टर्म ऑफ जीपी और सम ऑफ जीपी, ठीक है। तो आज हम जीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच डिफर फ्रॉम इच अदर बाई अ कॉमन रेशियो। एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है जो डिफर होता है इच अदर से एक कॉमन रेशियो से, एक किस किस से एक कॉमन रेशियो से डिफर होता है, ठीक है। एक मिनट, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 2, 4, 8, 12, 6, 2, 4, 8, 12, 32, तो इसमें क्या है, ए ऐसे यह जो है जो हमें सीक्वेंस दिख रहा है एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ईच टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म फाइंड कर ले रहे हैं। मतलब अगर हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो एक नया सीक्वेंस बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम जीपी कह रहे हैं। जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, उसे हम जीपी कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 3, 6, 12, 24 डैश डैश डैश, तो इसमें अगर मैं देखूं इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई अ कॉमन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 12, 4 एक कॉमन रेशियो, एक कॉमन रेशियो। इन दोनों के बीच का रेशियो अगर निकालें 6/3 तो क्या आएगा, 2 आएगा। वही रेशियो इन दोनों के बीच का आना चाहिए, मतलब 12/6 ए भी 2 ही आना चाहिए। इन दोनों के बीच का भी वही आना चाहिए, मतलब 24/12 दिस शुड बी आल्सो 2। मतलब अगर कोई सीक्वेंस जीपी है, इफ एनी सीक्वेंस इज अ जीपी, अगर कोई सीक्वेंस जीपी है, अगर कोई सीक्वेंस जीपी है तो उसका कॉमन रेशियो शुड बी सेम, शुड बी सेम। आपको क्या समझ में आया? अगर ए, ठीक है, ए बी सी आर इन जेपी, इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जेपी, इट मींस इन दोनों का कॉमन रेशियो बी बाई ए शुड बी सी बाई बी, ऐसा होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो इस जीपी में होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं बी को उधर भेज दें तो बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो वो सीक्वेंस जीपी में होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 4, ठीक है, 16, 4, 8, 16, ठीक है, 32 डैश डैश डैश, एक सीक्वेंस है 4, 8, 16, 32, दिस इज अ सीक्वेंस। अगर मैं पूछूं ए जीपी में है या नहीं है तो इसका सिंपल सा तरीका है, हमको बीच वाले का स्क्वायर करना होगा बराबर, अब उसके अगल बगल वालों का मल्टीप्लीकेशन करके देखना होगा। 8 8 64 बराबर 16 64 64, अगर ये बराबर आ रहा है तो दिस सीक्वेंस विल बी इन जीपी, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो दिस विल नॉट इन जीपी। बात समझ में आ गई मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। या फिर अगर मैं ए बोलूं कि अगर कोई जीपी है, कोई जीपी है, अगर जीपी है ए तो अगला टर्म क्या होगा, मैं मान लिया इन दोनों के इनमें एक ऐसा नंबर आर से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट जीपी का टर्म मिलेगा तो दूसरा ये क्या हुआ ए आर, उसके अगला टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब। मतलब जैसे हम एपी पढ़े थे ना, एपी में एक नंबर जोड़ते थे ए, अगला टर्म हो जाता था ए प्लस डी, फिर अगला,
ए प्लस टू डी, अगला आइटम क्या आता था ए प्लस टू डी, मतलब डी डी जोड़ते जाते थे तो ए पी बन जाती थी। उसी तरीके से अगर जीपी की बात करूंगा तो आर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, आर है कॉमन रेशियो, आर को हम कहते हैं कॉमन रेशियो, आर को कहते हैं कॉमन रेशियो। अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो हमें एक जीपी मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं किसी भी जीपी की बात करूं, अगर जीपी फॉर्म करने की बात करूं, तो अगर पहला टर्म देखो, अगर पहला टर्म मैंने ए मान लिया, ए इज फर्स्ट टर्म, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा ए आर, उसका अगला ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, डैश डैश डैश, ऐसे जीपी का टर्म चलता जाएगा। डीपी का क्या, जीपी का क्या चलता जाएगा, टर्म चलता जाएगा। अब जैसे हम एपी में पढ़े थे एनथ टर्म, अगर मैं बोलूं कि ये जीपी है, एक जीपी है जिसका एनथ टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एनथ टर्म, तो पहली बात इसको हम क्या कहते हैं, पहले टर्म को कहते हैं फर्स्ट टर्म। आर जो होता है जिस नंबर से हर नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी दो का रेशियो होता है, मतलब अगला टर्म सेकेंड टर्म अपान सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म, ठीक है। मतलब किसी भी दो टर्म जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब जो आसपास वाले टर्म है उसमें से बाद वाले और पहले वाले का रेशियो लेने पर आर मिल जाता है, समझ में आया, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज दैट नंबर विच इज मल्टीप्लाइंग इन ईच नंबर्स। कॉमन रेशियो वह नंबर होता है जो हर नंबर में मल्टीप्लाई करके जीपी बनाया गया होता है। तो जिस तरीके से हम एनथ टर्म की बात करते थे एपी में, उसी तरीके से हम एनथ टर्म की बात करेंगे जीपी में। अब मैं लिखता हूं एनथ टर्म ऑफ जीपी, क्या लिखता हूं, एनथ टर्म ऑफ जीपी। जीपी का एनथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो जीपी का एनथ टर्म फाइंड करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो अगर पहला टर्म क्या है, ए है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा ए आर, थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर क्यूब। देखो आर मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ ना, डैश डैश डैश, अगर मैं बोलूँ एनथ टर्म क्या होगा, एनथ टर्म क्या होगा, तो आदमी क्या बोलेगा, देखो पहला में ए आर की पावर 0 था, दूसरा में ए आर की पावर 1 था, तीसरा में ए आर का स्क्वायर था, चौथा फोर्थ टर्म था, नहीं फोर्थ टर्म में क्या था ए आर का क्यूब था, मतलब फोर्थ एन माइनस वन चल रहा है। अगर एनथ की बात करूंगा तो ए आर के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। देखो पहला में एन माइनस वन, एन के जगह वन था तो वन माइनस वन 0, दूसरा एन के जगह, दूसरा में अगर सेकेंड टर्म निकालना हो तो एन की जगह 2 है तो 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, मतलब अगर तीसरा टर्म था तो स्क्वायर था, चौथा टर्म था तो क्यूब था, तो एनवा टर्म था तो क्या होगा एन से 1 कम होगा, तो फॉर्मूला क्या आया टी एनथ बराबर, ठीक है, क्या ए आर के पावर एन माइनस वन, एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या आया ए आर के पावर एन माइनस वन। एक क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर नहीं हो तो जल्दी से बोलो। हमने क्या देखा, हमने देखा भाई nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी क्या था ए आर के पावर एन माइनस वन। किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, मतलब मैं टी nth आज से लिखूंगा ए आर के पावर एन माइनस वन इन जीपी। जीपी में हम ऐसे लिखेंगे, एपी में कैसे लिखते थे nth टर्म, nth टर्म क्या था एपी का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ ऐसा था, लेकिन हमें जीपी का आप कैसा एनथ टर्म लिखना है ए आर के पावर एन माइनस वन। क्लियर है? मतलब अगर मैं कोई भी जीपी बोलता हूं, जैसे एग्जाम्पल में बोलूं 2 4 8, देखो 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 2 4 2 8 2 9 16, इसका मैं बोलूं 10वां टर्म बताइए, 10वां टर्म कैसे बताओगे भाई, बोलोगे कि एनथ टर्म बराबर होता है ए आर के पावर एन माइनस वन। अब मेन बात है ए और आर पता करना, ए क्या है, ए 2 है, आर क्या है, आर कैसे पता चलता है, बाद वाले में से पहले वाले को भाग दे देते हैं तो रेशियो जो होता है वो आर होता है, तो आर बराबर हो जाएगा 4/2, दिस इज 2, आर 2 हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या होगा, ए की जगह पे फॉर्मूले में रखो, ए की जगह पे लिख दो 2, आर की जगह लिख दो 2, एन कितना है, एन 10 है, 10 और 10 माइनस 1, हमें 10वां टर्म चाहिए ना, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 × 2 के पावर 9, मतलब 2 के पावर 10, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 के पावर 10 जो भी आता हो दिस इज आवर आंसर, मतलब nth टर्म निकालना होगा किसी भी जीपी का तो हम निकाल सकते हैं, अगर कोई भी जीपी दिया हो हमें बोले कि nth टर्म निकाल दीजिए तो निकाल देंगे। आइए देख लेते हैं 2 के पावर 10 क्या होता है, 2 के पावर 10 इज इक्वल टू 1024, 1024 अगर ऐसे भी हम करके देखेंगे तो 1024 आ जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1024 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब मेन मुद्दा ये था कि एन ए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर एन माइनस वन, और इस पे बेस्ड हम कुछ भी क्वेश्चन मिले कि एन ए टर्म पे बेस्ड हम कोई हमसे कोई टर्म पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं, या फिर कोई टर्म दे दे और पूछे कि कौन सा टर्म है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए दो चार वेरियस क्वेश्चंस देख लेते हैं, दो चार वेराइटी के, फिर हम आगे बढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि फाइंड द फर्स्ट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, किसी जीपी के प्रथम 4 टर्म्स को ज्ञात करिए, इफ फर्स्ट टर्म, अगर पहला टर्म 3/2 हो और कॉमन रेशियो R/2, R हो, R = 2, मतलब A = 3/2 दे दिया गया है और R = 2 दिया गया है, और बोला गया है कि इस जीपी के चार कम से कम 4 टर्म को बताइए, तो ठीक बात है, ये पहला टर्म हो गया 3/2, अगर इसी में हम R से मतलब अगर पहला टर्म R हो, A हो, तो दूसरा टर्म क्या होता है, R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरा टर्म निकल जाता है, और दूसरे टर्म में R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीसरा टर्म निकल जाएगा, अगर तीसरे टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो R² × R से कर दोगे तो चौथा टर्म निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा A R³, ठीक बात है, तो इसी तरीके से पहला टर्म 3/2 था, मैं दूसरा निकालने के लिए क्या करूंगा, 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तीसरा निकालना होगा तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, कट कट करके 3 आ रहा है, 3 में अब क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, चौथा ये क्या आ रहा है, कट करके 3 × 2 = 6 आ रहा है, अगर चौथा टर्म निकालना होगा तो 6 में फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ये आ रहा है 12, तो अपनी जीपी क्या हो गई, जीपी हो गई 3/2, 3, 6, 12, दिस इज आवर जीपी, सिंपल सा, दिस इज आवर जीपी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो ये लल्लू सा क्वेश्चन था, ब्लैक जो हमारे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन महालल्लू, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस मैंने कॉन्सेप्ट के लिए इतना लल्लू क्वेश्चन लिया था ताकि हर भाई को समझ में आ जाए, जिसे नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दो भाई, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में, डिप्लोमा के एग्जाम में वही आने वाला है, पूरा का पूरा जामिया एएमयू का सिलेबस है, आपके टीचर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे और ना ही इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को और देखते हैं, बोला है फाइंड द कॉमन रेशियो आर, आर फाइंड करना है एंड द 15th टर्म, 15वां टर्म ज्ञात करना है किसका, ऑफ अ गिवन जीपी, एक जीपी दिया हुआ है 3, 6, 12, 24, ये जीपी है कि नहीं देख लेते हैं, 3 में से देखो 6/3 2 आया और 12/6 2 आ रहा है, 12/6 भी 2 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रेशियो 2 है, कॉमन रेशियो क्या है, आर क्या है, आर कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहले को डिवाइड कर दो 6/3 बराबर, इसमें से इसमें को डिवाइड करके देखो क्या बराबर आ रहा है, तो देखेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, 2/2 आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है, जीपी है, वैसे भी ये जीपी दिया हुआ है तो हम बस अपनी सहूलियत के लिए देख लिए हैं जीपी है कि नहीं, हमने चेक किया है, R = 2 आ गया, क्या आ गया, R = 2 आ गया, अब पूछा गया है 15वां टर्म बताइए, 15th टर्म बताइए, तो हम क्या बोलते हैं, 15th टर्म बराबर A R के पावर n-1, nth टर्म का फॉर्मूला, ए के जगह पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, आर के जगह पे क्या है, 2 है, एन के जगह पे 15 है -1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 के पावर 14, आ गया 3 × 2 के पावर 14, आ गया कि नहीं, देखो यहाँ देखो इसी को मैंने किया, तो अब मैं निकाल लेता हूँ 2 के पावर 14 क्या होगा, 2 के पावर 14 दिस इज इतना × 3, ये हो जाएगा 4 9, दिस विल बी 4 9 1 5 2, दिस इज आवर आंसर,
समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, लेकिन फॉर्मूला यही है। तो अभी बेसिक का चल रहा है, लेक्चर तो बहुत ही लल्लू है जीपी का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने एक दो लिया है इसमें। आते हैं नेक्स्ट पे, अगर सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। मैंने कुछ नहीं किया, पहले आर फाइंड किया। आर कैसे फाइंड करूंगा? बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकल गया। हमें पता है टीएन होता है ए आर के पावर एन माइनस वन, तो ए के जगह 3 रख दिया, आर के जगह 2 रख दिया, एन के जगह 15 रख दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ टॉम इन जीपी, सॉरी फाइंड द एनथ टर्म इन जीपी, फाइंड द एनथ टर्म इन जीपी। मिस्टेक से छूट गया था इस क्वेश्चन में। जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसमें लिखा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब एक जीपी दी हुई है जो 5120 पे आके खत्म हो जाती है। ये पता करना है कि जीपी में कितने टर्म हैं। तो ये मान लिया ये एनवा टर्म है, कौन सा है? एनथ टर्म है। तो हमें एनथ टर्म का फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन में लिखता हूँ, एनथ टर्म का फॉर्मूला पता है। एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर के पावर एन माइनस वन। ए क्या है? एनथ टर्म भी पता है अपने को, एनथ टर्म है 5120, ए के जगह 5 है, आर के जगह क्या है? आर निकालना पड़ेगा। आर जो होता है बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर दीजिए, तो 10/5 = 2 आ गया ना। आर के जगह पे लिख दिए 2, 2 के पावर n-1, n-1, हमें n-1 ही तो फाइंड करना है। आइए 5 से इसको भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 6 5, 5120 में 5 से भाग दे दीजिए आप, 5120 में 5 से भाग दे दीजिए, आएगा 1024, 1024 आएगा बराबर 2 के पावर n-1। अब एक 1024 को क्या करिए ना, 2 के पावर पे कर लीजिए। क्या कर लीजिए? यहाँ लिख देता हूँ, 1024 को 2 के पावर पे कर लीजिए, क्या होगा? 2 2 के पावर कितना कर लूँ कि 1024 आ जाए? तो देख लो, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128, 128 2 256 2 512, 512 2 1024, तो n2 के पावर 10 = 1024, 2 के पावर n-1। तो ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे देखो दो बेस सेम है तो पावर भी बराबर होना चाहिए, तो 10 = n-1, तो n हो जाएगा 10^1 = 11। दिस इज आवर आंसर, ठीक है? समझ में आ गया? n क्या हो गया? n = 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद एक और हम टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने से पहले हमें कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है कि इफ अगर हमें मानना हो कभी चॉइस द टर्म इन जीपी, अगर हमें चॉइस करनी हो, चॉइस द टर्म इन जीपी, अगर हमें जीपी में चॉइस करनी हो, अगर जीपी के टर्म्स को अगर चॉइस करनी हो, इफ वी हैव टू चॉइस द टर्म इन जीपी, देन हम कैसे करेंगे? पहला लिख टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। फिर टर्म कैसे मानेंगे, टी ई आर एम, टर्म्स कैसे मानेंगे, और कॉमन रेशियो क्या होगा? जैसे कि हम सेम सेम किसमें देखे थे, एपी में देखे थे। नंबर मान लिया, 3 नंबर मानना हो तो कैसे मानेंगे? 3 नंबर मानना हो तो मानेंगे a/r, a into ar। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों मान रहे हैं? तो भाई हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं किसका मुझे फायदा होने वाला है। अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो तीनों का गुणा करूंगा तो r से r कट जाएगा और सिर्फ a क्यों बचेगा, a की डायरेक्ट वैल्यू आएगी। इसमें कॉमन रेशियो क्या है भाई? कॉमन रेशियो r है। क्या है? कॉमन रेशियो r है। अगर मैं 4 टर्म मानना होगा तो मैं ऐसे मानूंगा ए अपान आर स्क्वायर, फिर ए बाई आर, फिर ए आर, सॉरी ए अपान आर क्यूब, ए आर, फिर ए आर, सॉरी ए बाई, इसमें ए आर हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? 4 टर्म मानने का यही तरीका होगा अपना। हम इस तरीके से 4 टर्म मानेंगे, ठीक
है। और इसमें कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, ठीक बात है, दिस इज कॉमन रेशियो। अब अगर हमें पांच टर्म मानना हो तो पांच टर्म मैं यहां लिख देता हूं, पांच टर्म मानना हो तो हम कैसे मानेंगे? ऐसे मानेंगे ए अपान आर स्क्वायर, फिर ए अपान आर, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। देखो पांच टर्म हो गया ना, इसमें कॉमन रेशियो क्या था? आर था। तो अगर हमें नंबर मानना हो ना कभी जीपी में, तो हम इस तरीके से मानेंगे, तीन नंबर ऐसे मानेंगे, चार नंबर ऐसे मानेंगे, पांच नंबर, पांचवा नंबर मानना हो तो ऐसे मानेंगे। ठीक बात है, क्लियर है? दिस इज क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द कंटिन्यू इफ द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इन अ जीपी इज 216, कोई जीपी के तीन नंबर है, तो अब यहाँ पे हमें तीन नंबर मानना पड़ेगा। लेट थ्री नंबर्स आर, क्या है? ए बाई आर, ए इंटू ए आर। अब इनका बोल रहा है प्रोडक्ट 216 है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए, ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर बराबर 216, इसने ऐसा पूछा हुआ है। अब दूसरा पूछा हुआ है कि, और दूसरा बोला है कि सम ऑफ दियर प्रोडक्ट इन पेयर इज 156। पहले यहां से आर काटिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ए क्यू बराबर 216, क्या होगा? 216 कैसे आएगा? ए क्यूब, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट बाई 216, 216 का क्यूब रूट हो जाएगा। 216 किसका क्यूब रूट है भाई? क्यूब रूट निकालने आता है, नहीं निकालने आता है तो भी कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। देखो 216 क्या होता है, 216 का क्यूब रूट अगर निकालना है तो पहले 216 का फैक्टराइजेशन करो, दो क्या होगा, 202, 108, फिर 25, फिर 4, फिर 2 से, 2 से 4, 17, फिर 3 से क्या हो जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 1, फैक्टराइजेशन हो गया, तीन तीन का पेयर बनाओ, तो दो का तीन का पेयर बन गया तीन का, तो मतलब तीन का पेयर बना के एक एक उठा लो उसमें से, तो हो गया 2 इंटू 3, तो बराबर 6। इसका क्यूब रूट आया 6, क्यूब रूट आया क्या आया? 6 आया। अगर क्यूब रूट 6 आ रहा है तो ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, क्यूब रूट इज 6 है। तो अगला क्वेश्चन बोल, अगला जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि सम ऑफ दियर प्रोडक्ट्स इन पेयर इज 156, पेयर का प्रोडक्ट जो है ना वो 156 है, तो ठीक बात है, आइए इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, सम ऑफ दियर प्रोडक्ट्स अगर हो गया, सम ऑफ दियर प्रोडक्ट्स क्या क्या होगा? पहला, पहले मैंने ए बाई आर माना, फिर ए माना और ए आर माना, ठीक है, इनके पेयर बनाओ और उनका प्रोडक्ट का सम कर दो, तो तीन पेयर बने इनका पेयर, तो ए बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बाई आर बराबर कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था मेरे भाई, बता दो, 156 दिया हुआ था, 156 दिया हुआ था, बराबर 156 लिख दो, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस आर और प्लस 1 बराबर 156, 156 पहले ए स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो क्या आएगा, 1 बाई आर प्लस आर प्लस 1 बराबर 156/36, 156 ए की वैल्यू 6 है तो 6 × 6, अब 6 से काटो यार, 6 × 2 = 12, 13 × 14 = 15, कितना आया, 6 × 6 = 36 आ गया, अरे आया कि नहीं आया, 156/36 कर लो, 156/156/36 कर लो, क्या आ रहा है, 13/3 आ गया ना, 13/3 दैट इज 13/3। अब मुद्दा है ना कि क्या सॉल्व करना है, मुद्दा जो सॉल्व करना है वो है 1 बाई आर प्लस आर प्लस 1 बराबर 13/3 है, ठीक बात है, तो एक को इधर भेज दो और इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + r² / r बराबर 13/3 - 1, तो ये हो जाएगा। इसको आगे हम कर लेते हैं, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 13/3 वाले पे देख लेता हूँ, 13/3, तो ये था 1 + r² / r = 1 + r² / r = 13/3 - 1, तो ये क्या था, इसको घटा दो भाई, ये हो जाएगा 10/3, ठीक है,
तीन का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 + 3R² = 10R, ठीक है। अब 3R² - 10R + 3 = 0, इसको हमको फैक्टराइज करना है। भाई कितने लोगों को फैक्टराइजेशन आता है? फैक्टराइजेशन के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया 9, 9 एक और इसका फैक्टर बनाते हैं तो 3 * 9, 9 हो गया, 9 आ गया फैक्टर। अब क्या करना है, 9 का तो ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ के 10 आ जाए, तो 9 * 1 होगा और 9 + 1 = 10 होगा, तो 9 और 1 दो फैक्टर मिल गए। तो इसको हम ऐसे करेंगे 3R² - 9R, मैं मान के चल रहा हूँ फैक्टराइजेशन आता है, जिसे नहीं भी आता है तो समझ लो, कमेंट कर देना, मैं और उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से 3R कॉमन कर लो, R - 3, -1 कॉमन कर लो, R - 3 = 0। अब यहाँ से R - 3 कॉमन करो, R - 3, और ये हो जाएगा 3R - 1 = 0, तो R = 3 और R = 1/3, समझ में आया? यहाँ से क्या आया, R = 3 आया, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा A/R और AR, A/R मतलब 6/3, 6 × 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 6 और 18, ठीक है, समझ में आया? वो जीपी के तीन नंबर यही होंगे, जीपी के तीन नंबर होंगे 2, 6, 18, दिस इज आवर आंसर, समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सम देखेंगे, ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछो, ठीक है, कमेंट करना यार, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा क्या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा उसका सुधार करूंगा, ठीक है भाई लोग, ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है।